हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 8 हिंदी व्याकरण सर्वनाम पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, संज्ञा पाठ में आपने पढ़ा कि संसार में सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। अब आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नाम की जगह प्रयोग होते हैं, है ना। हम सभी जगह नामों का प्रयोग नहीं करते, मतलब कि बार बार हम नाम नहीं लिखते हैं किसी भी चीज में। चित्रों के माध्यम या उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, दो मित्रों के बीच बात थी, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो बातचीत हो रही है उसके माध्यम से हम सर्वनाम क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अमन, एक का नाम अमन है और एक का अरजत। अमन, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक के लिए चलोगे? रजत, नहीं, मैं दादाजी के साथ गांव जा रहा हूँ। अमन, तुम्हारे बिना हमें मजा नहीं आएगा। रजत, क्या करूं मित्र, मेरी दादी जी बीमार हैं और उनके पास कोई नहीं है। बच्चों, ऊपर दिए गई बातचीत में आपने पढ़ा कि नाम के स्थान पर तुम, हमारे, मैं, तुम्हारे, मेरी, उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है, अर्थात सर्वनाम अर्थात सबका नाम। ठीक है, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, यहां कह सकता था ना। अगर वो नाम लिखता क्या अमन या हमारे ना लिख के, है ना, तो तुम की जगह अमन लिखता, फिर ये सब जो है, जो हमने अमन रजत की जगह तुम लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिखा है, जितने भी ये है शब्द हैं, ये सभी सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो ये नाम की जगह ही प्रयोग होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जैसे अपने लिए करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। दूसरों के लिए वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। अपनों के लिए या अपनों से छोटों के लिए तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। अपने से बड़ों के लिए आप, आपका, आपको आदि। निश्चित नाम के लिए यह है, इसका, ये, इसे, उन्हें, उनका आदि। अनिश्चित नाम के लिए जैसे किसी का नाम नहीं पता, किसी, कोई, कुछ आदि, किसी, कुछ, कोई आदि। जैसे कि अगर कोई आपके घर पे पापा से मिलने आते हैं और आप उनको जानते नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि पापा कोई आपसे मिलने आए हैं। और अगर आप किसी को जानते होंगे तो आप उनका नाम लेंगे या वह अंकल आपसे मिलने आए, है ना। प्रश्न करने के लिए क्या, कौन, किसको, किसे, किसने, ये भी सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आपके सर्वनाम है, आप ध्यान से इनको लर्न कर लेना। बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। कैसे? एक वचन मैं, बहुवचन हम। एक वचन यह है, यह का बहुवचन ये, उसे, उन्हें, जिसे, जिन्हें, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन तुम, आप, वह, वे, मेरा, हमारा, किसी, किन्हें, ये सब एक वचन है। मेरा, वह, तुम, ये सब बहुवचन है। आप इनको भी समझें। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा कि वो क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।